नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है लिपिड प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों लिपिड प्रोफाइल आपने आजकल देखा होगा कि जो ब्लड टेस्टिंग होती है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैनल भी दिखाई देता है या फिर इंडिविजुअल भी आपको जो डॉक्टर है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल जो है वो टेस्ट करवा के आइए। पर असल में आपने देखा होगा कि लिपिड प्रोफाइल को और भी कई नामों से आपने सुना होगा, जैसे कि लिपिड पैनल या लिपिड टेस्ट या कोलेस्ट्रॉल पैनल या कोरोनरी रिस्क पैनल। कोरोनरी रिस्क पैनल कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा कोई बड़ी टेस्ट दिखानी हो कि भाई कोरोनरी रिस्क पैनल करना है, रहती है वो लिपिड प्रोफाइल, पर वो हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, फास्टिंग लिपिड पैनल। तो ये कॉमन नाम है जो कि लिपिड प्रोफाइल को दिए गए हैं। लिपिड प्रोफाइल क्यों किया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है? लिपिड पैनल इज अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ सर्टन फैट दैट इज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स इन योर ब्लड। इन मोस्ट केसेस द पैनल इंक्लूड 3 to 4 डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ योर ट्राइग्लिसराइड। क्यों करवाई जाती है? ये देखने के लिए कि जो एक प्रकार का जो फैट मॉलिक्यूल्स है जिसे हम लोग लिपिड कहते हैं वो आपके शरीर में कितनी मात्रा में है, कैसा है उसका जो लेवल है, कम है, ज्यादा है या नॉर्मल है। ज्यादातर देखा जाए तो 3 तरह के या फिर कभी कभी इसे 4 तरीके के भी माना गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेजर किया जाते हैं और एक प्रकार का ट्राइग्लिसराइड जो है वो इस पैनल के द्वारा जो है वो मेजर किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग रूप वो मेजर किए जाते हैं, उनकी लेवल मेजर की जाती है और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग उसकी लेवल जो है वो मेजर की जाती है। 3 और 4 मैंने क्यों कहा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड। तो कभी कई लोग 3 लोगों को मेजर करते हैं, कई लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसे मेजर करते हैं, तो उसे 4 डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट भी कहा जाता है। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब ये जो है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना। अब देख लीजिए, पहले एक चीज मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक ब्लड वेसल है ना, ये इस तरीके की हमारी एक ब्लड वेसल जो है वो रहती है, जिसे हम लोग रक्त धमनी जो है वो कहते हैं, है ना। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई भी चीज का जो अति होता है वो अंत की तरह लेके जाता है। तो ज्यादा अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल हम लोग अगर खाते हैं तो वो इस तरीके से हमारे धमनियों में, ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, जिसे हम लोग प्लाक के नाम से दर्शाते हैं। तो ये इस तरीके से यहां पे जमा हो जाता है, ये इस तरीके से धीरे 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 धीरे, है ना। कभी कभी ये पूरा भर जाता है ऐसा, और ये पूरा ऐसा कभी कभी पूरा चोक भी कर लेता है ना। तो ये इस तरीके की अलग अलग जो है वो लेवल्स इसकी रहती हैं। अब होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक साधारण पानी का जो पाइप रहता है वो अगर किसी को हम लोग पानी दे रहे हैं या फिर झाड़ू वगैरह को पानी दे रहे हैं, उसमें से फ्लो हो रहा है पानी, उसको अगर आप हल्का सा रबर के पाइप को ऐसा प्रेस करो तो प्रेस करने से क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है ना। और वो पूरा अगर ऐसा दबा दिया जाए तो फिर क्या होता है कि जो उधर से मशीन जो रहती है, जिस पंप से जो ब्लड सर्कुलेट जो पानी जो आता है वो तो मशीन में झटका बैठता है, वो या तो पाइप निकल जाता है वहां से। इसी तरीके से होता है, आप जोर से पाइप को एक जगह से ब्लॉक कर दो, फुल फोर्स में पानी आ रहा है ब्लॉक कर दो, क्या होगा, मशीन से एक झटका देती है। उसी तरीके से ब्लड वेसल्स और हार्ट का काम है। हार्ट भाई क्या करते हैं, पंपिंग मशीन बोलते हैं, क्या करते हैं, ब्लड जो है वो पंप करते हैं, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने समझाया, वो क्या करते हैं, भेजते हैं, लेते हैं, भेजते लेते पंपिंग का काम करते हैं। अब होता क्या है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल यहां पे हल्का सा जमा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, धमनियां छोटी हो जाती हैं, तो वहां से ब्लड जो है वो नॉर्मल प्रेशर से जो रेगुलर जा रहा है उसको प्रेशर आता है, जाने के लिए रास्ता कम है, तो क्या करेगा, वो प्रेशर देता है। प्रेशर देता है तो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे हम लोग कहते हैं बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। तो वन ऑफ द रीजन क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये धीरे 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 हमारे खान पान लाइफ स्टाइल को अगर देखते देखते ये पूरा अगर चोकअप हो गया, तो चोकअप हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, धमनी अगर बंद हो जाएगी तो ब्लड नहीं आएगा, तो क्या करेगा, वापस झटका देगा, किसको देगा, मशीन को। कौन सी मशीन, जो हार्ट है, जो पंपिंग मशीन जो है, तो क्या आएगा उसको, क्या होगा, हार्ट अटैक जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में, ये होता है। या फिर स्ट्रोक आएगा, ब्रेन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है वहां पे कोई ब्लॉकेजेस आता है तो वहां पे स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब HDL, LDL, VLDL जिसके पैरामीटर्स क्यों दिए गए, ये समझो। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये देखो लिपोप्रोटीन है ना, ये जो शब्द बना है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन का, मतलब
ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, देखो जो लिपिड है उसको बॉडी में घूमने के लिए पार्टनर चाहिए, इसलिए वो प्रोटीन के साथ दोस्ती कर लेता है, वो लिपोप्रोटीन बन जाता है, तो वो घूमता है पूरी बॉडी में, है ना। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। अब ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब इन कॉम्बिनेशन में, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में परसेंटेज डेंसिटी किसकी ज्यादा है तो प्रोटीन की गिनी जाती है ना। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपिड के साथ जो जुड़ा हुआ प्रोटीन है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। एचडीएल कभी बैड नहीं होता, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी को बोलते हैं हाई है मतलब वो गलत है, नहीं। एचडीएल के जो डेंसिटी देखी जाती है प्रोटीन की वो मेजर की जाती है, इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है, प्रोटीन का जो डेंसिटी रहता है वो काफी कम रहता है इसमें। अब आता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काफी कम मात्रा में जो लिपिड में जो लिपिड और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें प्रोटीन का काफी कम मात्रा में, ये कब देखा जाता है ज्यादातर जब फास्टिंग जब ब्लड सैंपल लिया जाता है तब ही ज्यादातर मेजर किया जाता है, या फिर आपने अगर रिसेंटली खाना खा के अगर ब्लड टेस्ट दिया है तब इसके लेवल को खास करके मेजर किया जाता है, क्योंकि ये लेवल में अगर एबनॉर्मेलिटीज अगर आती है खास करके वीएलडीएल में तो ये दर्शाती है कि आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन के ट्राइग्लिसराइड जो लिपिड्स का है ये एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी है, तो ये वीएलडीएल जो है काफी ज्यादा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल ये तीनों का एवरेज बना के एक टोटल कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज निकाला जाता है, इसलिए इसे टोटल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैटी है जो कि हम जो खाना खाते हैं उससे निकलता है, लेकिन सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल इसे माना जाता है हार्ट अटैक और जो हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वगैरह के लिए सबसे ज्यादा ये भाई साहब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड अगर आपके बॉडी में आपके ब्लड में काफी ज्यादा अगर आते हैं तो ये भाई साहब उसके लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, है ना। अब लिपिड प्रोफाइल क्यों करवाना चाहिए या फिर इसका जो इसका मेजर जो है वो क्यों करने के लिए हम लोग कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इज नॉर्मल और फॉल इनटू द बॉर्डर लाइन इंटरमीडिएट और हाई रिस्क लेवल। ये इसलिए करवाया जाता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा जानने के लिए किया जाता है कि वो नॉर्मल लेवल पे मतलब बॉर्डर लाइन पे है, इंटरमीडिएट है या फिर हाई रिस्क कैटेगरी है। अब जो ब्लड रिपोर्ट देखते हैं उसमें कॉलम्स रहते हैं, उसमें लिखा जाता है कि ये बॉर्डर लाइन पे है या फिर इंटरमीडिएट है या फिर हाई रिस्क लेवल पे है, तो वहां पे वो आपको पैनल जो है वो दिखाया जाता है। एबनॉर्मल रिजल्ट प्रीवियस एनकरण, ये देखने के लिए भी हम लोग ये टेस्टिंग करवाते हैं कि जब मेरी पहली जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाई थी उसमें एबनॉर्मल रिजल्ट आया था कोलेस्ट्रॉल का, तो अब फिर से करवाते देखता हूं कि भाई ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, मतलब जो रिजल्ट आया प्रॉपर है या नहीं। मॉनिटर रिस्पॉन्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लाइफस्टाइल मेडिकेशन, माने कि अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल का एबनॉर्मलिटी थी तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिकेशन दिया, अब मेडिकेशन बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही वो कैसे पता चलेगा, तो फिर से ब्लड टेस्ट करवाओ 3 महीने के बाद, फिर वो देखो कि जो रिजल्ट आया है उसमें बराबर जो चेंजेस हैं वो आया है कि नहीं आया है वो डॉक्टर करवाता है, ये देखने के लिए कि जो मेडिकेशन मैंने आपको दिया है कि एबनॉर्मल लिपिड की वजह से वो मेडिकेशन प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, या फिर उसके साथ जो मैंने दूसरी मेडिकेशन दी है उसमें कोई रिस्पॉन्स है भी या नहीं। मॉनिटर द मेडिकल कंडीशन सच एज लिवर डिसीजेस, अब देखो लिवर डिसीजेस ये देखने के लिए भी लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, क्यों, ये देखने के लिए कि लीवर भाई साहब जो है वो बाइल पिगमेंट जो है बाइल जो है वो रिलीज करते हैं। बाइल कौन है, एक प्रकार का जो येलोइश प्रकार का जो लिक्विड रहता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को, फैट का डाइजेशन करने के लिए बाइल की जरूरत रहती है, तो ये देख अगर लिपिड जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका डाइजेशन का जो प्रोसीजर नहीं हो रही है, मतलब लीवर डिसीज भी कुछ हो सकता है, फिर वो लीवर पैनल आपको करवाने के लिए कहते हैं, उस पे वीडियो जो है वो अगले वीडियो जो है इस पे आने वाली है कि लीवर प्रोफाइल के बारे में, तो लीवर डिसीज देखने के लिए भी लिपिड प्रोफाइल जो है वो करवाई जाती है। तो हु नीड द लिपिड प्रोफाइल, किसे चाहिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यू नीड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट व्हेन, अगर आप पुरुष हैं तो 45 साल की उम्र के आसपास अगर आपकी एज है तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना आपको जरूरी है। अगर आप स्त्री हैं तो जरूरी है कि अगर आप जब 50 साल के आसपास अगर आपकी एज हो जाती है 40 से 45 के बीच में तो आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल उसके हिसाब से चेंजेस होती हैं, डाइजेशन प्रोसीजर चेंज होती रहती है, तो वो देखना हमें काफी जरूरी रहता है। हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन प्रीवियस टेस्ट, पहले जो ब्लड टेस्ट करवाई थी उसमें काफी ज्यादा जो ब्लड ये जो कोलेस्ट्रॉल आया था ज्यादा मात्रा में डिस्टर्बेंस आया था वो वापस चेक करने के लिए ट्रीटमेंट चेक करने के कम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए आपको करवाना जरूरी है।
अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ओबेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं, ज्यादा मोटापा है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा बहुत ही कम है, आप बैठे हैं घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिर यहां से जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस में बैठे हैं, विजिटिंग वर्क ही है, ना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना योगा कर रहे हैं, ना वॉकिंग, ना जॉगिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम है आपका, तो आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना काफी जरूरी है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद अगर आपको ऑलरेडी डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक अगर आप पेशेंट है तो आपको ये चेक करवाना काफी जरूरी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है, जो बीपी है आपका काफी ज्यादा हाई रहता है, तो आपको चेक करवाना जरूरी है। अगर आप बीपी चेक करवाते हैं कहीं भी किसी डॉक्टर के पास, अचानक से आपको जो है वो दिखना मिलता है कि आपका सर दुखने लगता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, अजीब थोड़ा महसूस होता है, तो जब आप बीपी चेक करवाते हो तो आपका बीपी बढ़ा हुआ दिखता है, तो तुरंत आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए कि कहीं कोलेस्ट्रॉल तो इम्बेलेंस नहीं हुआ है, है ना। फर्स्ट सिग्निंग हार्ट डिसीज 55 ईयर्स, आपके पेरेंट्स को या आपके सिबलिंग्स को, आपके जो भाई है बहन है, उन्हें अगर कम उम्र में हार्ट अटैक आया है तो भी आपको रेगुलर बेसिस पे अपना जो कोलेस्ट्रॉल है उसे मॉनिटरिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देखने के लिए कि आपको सेम जो प्रॉब्लम है जो कोलेस्ट्रॉल से उनकी वजह से उनके जो है वो सेम आपको तो नहीं है, उसे मॉनिटर करना काफी ज्यादा जरूरी है। बच्चों में भी जो देखता जाए तो लिपिड प्रोफाइल काफी, जो लिपिड के परसेंटेज है या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज है, वो बढ़ता जा रहा है। एक तो हेरिडिटी है, माँ बाप को है तो वो ट्रांसफर हो रहा है आजकल, डाइट है जंक फूड का भार पड़ी पड़ी है, मीठा खाना, चॉकलेट ज्यादा खाना, जंक फूड ज्यादा खाना, चिप्स, बाहर के जो ऐसे प्रोडक्ट है जो कि प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सब कोई प्रूफ नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ओबेसिटी, ओबेसिटी भी हम लोग हेरिडिटी मानते हैं कि जिनमें माँ बाप जो मोटापा है उनमें ओबेसिटी है तो बच्चों में ट्रांसफर होता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों में लिपिड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने के लिए। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और भी करवाई जाती है ये देखने के लिए कि दूसरे डिसीजेस की क्या कंडीशन है, जैसे कौन सा पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रिया में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है इसलिए वजह से डाइजेशन जो है वो लिपिड का प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन भी देखने को के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी डिसीज का फंक्शनिंग भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए भी लिपिड जो टेस्टिंग है वो की जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयड जो है उसका लेवल जो आपके हाइपो लेवल पे आ गया है, कम हो गया है, तो वो चेक करने के लिए भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो की जाती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि जो आपको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि आप ये ब्लड टेस्ट करवाइए, जैसे कि एज हो गई, एक लेवल के बाद एज हो गई आपकी, उसके बाद ओवरऑल हेल्थ, आप जो पहले फुर्ती महसूस करते थे वो फुर्ती अभी काफी परसेंटेज कम हो गया है, तो वो उसके लिए भी आपके लिए फैक्टर है कि आपको ये टेस्ट करवानी चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री है अगर आपकी रही है कि कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो आपको करवाना चाहिए। करंट मेडिकेशन, आप कौन सी दवाइयां ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है आपकी बॉडी पे, उसकी वजह से आपको लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, दिल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम रही है या फिर रहती है हमेशा बार बार, तो आपको बार बार रेगुलर बेसिस पे तीन तीन महीने में जो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट रहती है या फिर जो लिपिड प्रोफाइल रहती है वो करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपकी जो ब्लड टेस्टिंग है लिपिड की वो एबनॉर्मल आ रही है, बार बार टेस्ट करवाने के बाद भी एबनॉर्मल आ रही है, तो क्या करना है, आप तो पहले तो आपको कंटिन्यू लिपिड मॉनिटरिंग करना, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने या फिर हर मंथ भी आप जो है वो करवा सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को है, अगर कुछ वो चेंज हो गई है, ट्रैवलिंग ज्यादा हो गई, खान पान बाहर का ज्यादा हो गया, उसे आप प्रॉपर कीजिए ये देखने के लिए, अगर कि आपका जो एबनॉर्मल लिपिड है उसे नॉर्मल लाने के लिए। स्टार्टिंग एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल को लो करने की कोई मेडिकेशन इस्तेमाल की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो कम होना भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में काफी ज्यादा जरूरी है, वो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोवाइड कर, जो भी मैं बोल रहा हूं ये, इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो है वो जो फैट कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में रहते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एनर्जी के रूप में, तो वो उसके लिए भी लिपिड हमें या कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें चाहिए। पर अगर आपने कोई मेडिकेशन ऐसे ले ली है कि आपको पहले कोई ब्लड टेस्ट में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आ गया था, तो आपने मेडिकेशन लेना शुरू कर दिया और उस मेडिकेशन के कारण जो अपने लोअर करने के लिए या फिर नॉर्मल लाने के लिए आपने कोई मेडिकेशन ली थी, तो वो मेडिकेशन आपने रेगुलर बेसिस पे ली, आपने कुछ चेक नहीं करवाया और फिर एक समय के बाद वो काफी ज्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल रेंज है उससे भी कम नीचे आ गया है, तो वो उसकी वजह से भी आपको
कंटिन्यूअस जो है वो जांच जो है वो 3 महीने में करवाना जरूरी है। देखिए कागज का टुकड़ा नहीं है ये, आपके ब्लड का जो प्रॉपर तरीके से जांच जो है वो करती है, ब्लड टेस्टिंग जो है वो पूरी तरीके से आपकी जांच करती है, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं और किसी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आजकल के जमाने में। एचडीएल का नॉर्मल रेंज क्या है, जो कि आप ब्लड टेस्ट में देखते हैं, नॉर्मल रेंज रेफरेंस रेंज दिखाई देती है कि अबाउ 60 mg/ml। अबाउ 60 mg मैंने क्यों बोला, क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जितना ज्यादा ये अच्छा रहेगा, मतलब इसका प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो 60 mg/dl ये उसका यूनिट है mg/dl, तो 60 से ये ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। एलडीएल लो डेंसिटी लिपो ये जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो 100 mg/dl के नीचे ही होना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज है तो 70 mg/dl उससे नीचे होना चाहिए, अगर डायबिटिक व्यक्ति अगर आप हैं तो। ट्राइग्लिसराइड बिलो 150 mg/dl, ट्राइग्लिसराइड की लेवल 150 mg/dl के नीचे ही होनी चाहिए, या फिर उसके बॉर्डर लाइन के आसपास ही रहे तो भी ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर कोलेस्ट्रॉल का एवरेज निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, तो 200 mg/dl उससे नीचे होना चाहिए, उसके आसपास या उससे बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज है जो कि इसके लिए की मानी जाती है लिपिड प्रोफाइल के लिए। अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कीजिए, तो आपको फ्लेबोटोमिस्ट के रेफर कर, मतलब जो फ्लेबोटोमिस्ट है वो आपके सैंपल लेता है, एमडी पैथोलॉजिस्ट को देते हैं, वो एमडी पैथोलॉजिस्ट एक फ्लेबो आपको देते हैं जो कि आपकी ब्लड टेस्ट जो ब्लड सैंपल निकालता है। फ्लेबोटोमिस्ट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी ग्रिप करके यहां पे एक बेल्ट बांधते हैं और यहां से आपका ब्लड जो है वो निकाला जाता है, ट्यूब में निकाला जाता है, फिर वो प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी जो है प्रॉपर तरीके से और हार्ड कॉपी आपको रिपोर्ट के जरिए जो आपको दी जाती है, जो कि दिखाता है कि भाई आपके ब्लड में आपके शरीर में किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल का पूरी जांच है और किस तरीके से उसकी अभी करंट जो कंडीशन है, जिसके बेसिस पे आप अपनी लाइफस्टाइल जो है वो उसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपना खान पान डाइट जो है वो उसे हेल्दी वे से बना सकते हैं। अब इसमें ज्यादातर फास्टिंग लेवल जो है माना जाती है, क्योंकि 10 से 12 घंटे ये एक्सेप्टेबल रहता है, जो खाना खाया है वो पचने के बाद कितने समय के बाद वो फास्टिंग टेस्ट होनी चाहिए, ताकि जो एब्सॉर्ब हुआ है कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में, वो भी जो एब्सॉर्ब होने का डाइजेशन के तक जो प्रॉब्लम होती है, लिपिड डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करने में वो हेल्पफुल रहता है, इसलिए इसके लिए फास्टिंग जो टेस्ट है वो मानी जाती है और करवाने के लिए कही जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।